टाइम ट्रेवल यानी कि समय यात्रा। दोस्तों ये बात एकदम सच है कि समय को कभी रोका नहीं जा सकता, लेकिन समय में आगे या फिर पीछे जाया जा सकता है, जिसे हम साइंस की भाषा में टाइम ट्रेवल कहते हैं। टाइम ट्रेवल एक ऐसी घटना है जिसमें कोई भी इंसान समय यात्रा कर समय में आगे या फिर पीछे जा सकता है और अपने पास्ट और अपने फ्यूचर को भी बदल सकता है। टाइम ट्रेवल वैज्ञानिकों की कोई कल्पना नहीं है, बल्कि थ्योरेटिकली प्रूफ है कि टाइम ट्रेवल किया जा सकता है और कोई भी इंसान समय यात्रा कर समय में आगे या फिर पीछे जा सकता है। और आज हम आपको टाइम ट्रेवल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची घटनाओं को दिखाएंगे जिनसे प्रूफ होता है कि टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है। नंबर 6, टाइम ट्रेवलिंग मम्मी। मंगोलिया के पहाड़ों में कुछ इतिहासकारों को एक 1500 साल पुरानी मम्मी मिली, जो कि बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी, क्योंकि उसके पैरों में लाल कलर के जूते थे जिनका शोल एकदम चमड़े का बना था। इन जूतों पर 3 सफेद कलर की लाइनें भी थी, जो कि आजकल हमें एडिडास ब्रांड के जूतों में देखने को मिलती हैं। ये एशिया की सबसे रहस्यमय खोजों में से एक है, जिसे टाइम ट्रेवल की घटना से जोड़कर भी देखा जाता है, क्योंकि 1500 साल पहले ऐसे जूते कैसे और कहाँ से आ गए, जो कि एकदम मॉडर्न जमाने के लगते हैं। इससे प्रूफ होता है कि ये व्यक्ति एक टाइम ट्रेवलर था, जो कि समय यात्रा कर समय में पीछे गया था। नंबर 5, टाइम ट्रेवलिंग लेडी। 1928 में चार्लिन चैपलिन की मूवी के प्रमोशन के दौरान एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक लेडी सेलफोन पर बात करती हुई दिखाई देती है। उस वक्त तो इस वीडियो पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बाद में जब इस वीडियो को देखा गया तो इस वीडियो में एक लेडी सेलफोन पर बात करते हुए दिखाई देती है, जबकि 1928 में तो सेलफोन का आविष्कार ही नहीं होता। तो इस लेडी के पास सेलफोन कैसे और कहां से आया? इस वीडियो को बनाने वाले व्यक्ति ने इस वीडियो को कई लोगों को दिखाया, पर सभी ने इस लेडी को पहचानने से मना कर दिया। तो इससे साफ पता चलता है कि ये लेडी एक टाइम ट्रेवलर थी, जो कि समय यात्रा कर समय में पीछे आई थी। तो इससे प्रूफ होता है कि टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल है, और ये लेडी एक टाइम ट्रेवलर थी, जो कि समय यात्रा कर समय में पीछे आई थी। टाइम ट्रेवल करना तो सच में पॉसिबल है, लेकिन आज के हमारे वैज्ञानिकों के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि टाइम ट्रेवल किया जा सके, पर फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल होगा। नंबर 4, जापान रोड एक्सीडेंट टेलीपोर्टेशन। ये वीडियो जापान के एक रोड सीसीटीवी कैमरे से ली गई है, जिसमें एक ट्रक वाला रिक्शे वाले को टक्कर मारने ही वाला होता है, तभी अचानक से एक लड़की आकर रिक्शे वाले को टेलीपोर्ट कर बचा लेती है। और ट्रक वाला ट्रक से बाहर आकर देखता है कि कहीं उसने रिक्शे वाले का एक्सीडेंट तो नहीं कर दिया, पर वह देखकर चौंक जाता है कि रिक्शे वाला उससे काफी दूरी पर था। और वो लड़की जिसने रिक्शे वाले को बचाया था, वो कैमरे के सामने से जाती हुई दिखाई देती है। और ये लड़की कई और जगहों पर भी देखी गई है। इस लड़की के पास टेलीपोर्टेशन पावर है, जिसकी वजह से कहीं भी आ जा सकती है। नंबर 3, बॉक्सिंग मैच टाइम ट्रेवलर। ये वीडियो 1995 के एक बॉक्सिंग मैच की है, जब माइक टाइसन का बॉक्सिंग मैच चल रहा था। लेकिन जब आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे तो आपको इस वीडियो में पब्लिक के बीच में एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देगा, जो कि अपने सेलफोन से इस मैच की वीडियो बना रहा है। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो है कि उस समय में कैमरे वाले सेलफोन का तो आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो इस व्यक्ति के पास कैमरे वाला सेलफोन कैसे और कहां से आया? इस वीडियो को टाइम ट्रेवल की घटना का सबसे बड़ा प्रूफ माना जाता है। हो सकता है कि ये व्यक्ति कोई टाइम ट्रेवलर हो, जो कि फ्यूचर से इस मैच को देखने आया हो। नंबर 2, ब्रिज ओपनिंग टाइम ट्रेवलर। ये फोटो 1941 में एक ब्रिज के उद्घाटन के दौरान खींची गई थी। ये फोटो एकदम असली है, जिसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। इस फोटो में दिख रहा है व्यक्ति पास खड़े लोगों से काफी अलग है, जिसके कपड़े आज के मॉडर्न जमाने के लगते हैं, और उसका हेयर स्टाइल और उसका चश्मा भी आज के मॉडर्न जमाने का लगता है। और सच में हो सकता है कि ये व्यक्ति कोई टाइम ट्रेवलर हो, जो कि समय यात्रा कर इतिहास में गया हो। नंबर 1, टाइम ट्रेवलिंग लैपटॉप वूमेन। अब जो आप जिस मूर्ति को देख रहे हैं, उसे 100 BC में ग्रीक के कलाकार द्वारा बनाया गया था, जिसमें आप साफ साफ एक लैपटॉप को देख सकते हैं। पत्थर के इस लैपटॉप में 2 छेद भी हैं, जो कि आज के USB पोर्ट जैसे लगते हैं। इतिहासकारों का कहना है कि ये कोई गहनों का बॉक्स होगा, लेकिन सोचने वाली बात है कि गहनों के बॉक्स में साइड में 2 छेद कैसे, और वो भी 2। इस मूर्ति को टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि 100 BC में तो किसी को भी लैपटॉप के बारे में पता ही नहीं था, तो फिर उन लोगों ने पत्थर के इस लैपटॉप को कैसे और क्यों बनाया? और क्या सच में फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल होगा? नीचे हमें कमेंट करें। और दोस्तों, आपको इन टाइम ट्रेवल की घटनाओं में से कौन सी घटना सबसे रहस्यमय लगी, नीचे हमें यह भी कमेंट करें। और इस वीडियो को बनाने के लिए दोस्तों मैंने सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत करी है, तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक कर दें, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आज ही अपने चैनल PS Facts को सब्सक्राइब करें।